हाय बच्चों, ये वो कोड्स हैं बच्चों जो आपकी इंफॉर्मेशन ब्रोशर में लिखे हुए हैं और आपको अपने फॉर्म में भरने हैं। ये कोड्स बड़े कंफ्यूजिंग हैं, इनकी लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको इन्हीं कोड्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके फटाफट से बता देती हूँ। तो सबसे पहले बेटा, जो क्लास ट्वेल्थ में अपियर हो रहे हैं, एडमिशन चाहिए और क्लास 12 के अपियर, मतलब जिन जो बच्चे 2023 में अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, जो अपियर होंगे, उन बच्चों को पीसीबी जिनके पास है, ऑब्वियसली मेडिकल के लिए पीसीबी इंपॉर्टेंट है, जिनके पास पीसीबी है उन बच्चों को कोड नंबर 1 अपने फॉर्म में फिल करना है। Is that clear everybody? तो कोड नंबर 1 उन बच्चों को भरना है जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। किस एग्जाम में? नीट में तो सब अपियर हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनको कोड नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, मैं सब कुछ दूर कर दूंगी। कोड नंबर 2 उन बच्चों के लिए जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है। Is that clear everybody? Physics, chemistry, bio, biotechnology है जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरह से बताऊं, ये जो है ये ड्रॉपर्स का कोड है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सीबीएसई से ड्रॉप किया है। Is that clear everybody? Done. कोड नंबर 3 उन बच्चों के लिए जिन्होंने कर्नाटका बोर्ड, जिसको पीयू एजुकेशन कहते हैं, वहां से जिन बच्चों ने अपना फॉर्म जो है वो एग्जाम का भरा था। तो कोड 2 आपके बेसिकली ड्रॉपर्स के लिए है। किसके लिए? कोड 1, कोड 1 फ्रेशर्स के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, कोड 2 आपके उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंप्लीट कर लिए, कोड 2 की इंफॉर्मेशन है। कोड 3 जो है वो आपका प्री डिग्री, बेसिकली आपके उन बच्चों के लिए है, इंटरमीडिएट प्री डिग्री, जिन्होंने कर्नाटका से पीयू एजुकेशन करी है, जो कॉलेज जाकर अपनी 11th और 12th जो है वो करते थे। इज दैट क्लियर? राइट, जो कॉलेज जाके कर्नाटका लेते थे, जो कॉलेज जाकर अपनी 11th एंड 12th करते थे, स्कूल से नहीं, कॉलेज में। कोड 4 उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कोई ना कोई प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन दिया है, प्री यूनिवर्सिटी के बाद कोई प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, उनके लिए कोड 4 है। तो ज्यादातर बच्चे करेंगे, जो फ्रेशर्स हैं वो लगाएंगे कोड 1, जो ड्रॉपर है वो लगाएंगे कोड 2, जो ड्रॉपर फ्रॉम कर्नाटका है, जिन्होंने 12 कर्नाटका से की, वो लगाएंगे कोड 3। कोड 4 बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना पहले किया हुआ है प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट ईयर बीएससी में है, 3 साल की डिग्री कोर्स के पहले साल में है, जो फर्स्ट ईयर बीएससी में है, बीएससी फर्स्ट ईयर टाइप, जो उसके फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, जो बीएससी कर रहे हैं, वो लगाएंगे कोड 5। क्या लगाएंगे? कोड 5, कोड 5, जो फर्स्ट ईयर बीएससी, जिन्होंने अभी बीएससी ज्वाइन कर ली है, ड्रॉप नहीं लिया, ड्रॉप लेने की बजाय बीएससी ज्वाइन कर लिया, जिनकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है और फिर भी वो नीट का अटेम्प्ट दे रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो लगाएंगे आपका कोड 6। इज दैट क्लियर एवरीबडी? कोड 6। और जो पूरी दुनिया में कहीं और पढ़ रहे हैं पर वहां का जो 10+2 है, वो इंडिया के 10+2 जैसा, इंडिया के जो बोर्ड्स हैं कि 10th के बाद 2 साल की और एजुकेशन होगी, उसके जैसा है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द इंडियन बोर्ड, एनीवेयर अदर देन इंडियन बोर्ड्स, राइट? इंटरनेशनल किसी बोर्ड में है, जो 10+2 टाइप का बोर्ड है, वो लगाएंगे कोड 7। तो बीएससी वाले बच्चे जो फर्स्ट ईयर के लगाएंगे कोड 5, जिनकी बीएससी खत्म हो गई लगाएंगे कोड 6, जो किसी इंटरनेशनल बोर्ड में है, जो इंडिया की तरह है, लगाएंगे कोड 7। कोड 4 लगाएंगे अदर बीएससी के अलावा कोई और प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल डिग्री कर रहे हैं, लगाएंगे कोड 4। बीएमएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं दोबारा, कोई और प्री प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, पर अब दोबारा से नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो कर्नाटका से ड्रॉप करके बैठे हैं, लगाएंगे कोड 2। जिन्होंने भी पीयू कॉलेज लगाया है, जो ड्रॉपर से लगाएंगे कोड 2, और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं लगाएंगे कोड 1। तो ये रहे आप लोगों के सारे सिंपल कोड्स, इनके हिसाब से प्लीज अपना फॉर्म भरिए। टेक केयर बच्चों, बाय।